हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। शतरंज का खेल कौन नहीं जानता, मगर क्या आप जानते हैं शतरंज में सबसे मुश्किल चीज घोड़े की चाल को पहचानना होता है, क्योंकि उसके ढाई कदम किसको अपना शिकार बनाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। सियासत और घोड़े की चाल में ज्यादा फर्क नहीं है, यहां कब शतरंज के घोड़े की ढाई कदम की वाली चाल आपकी बनी बनाई सियासत को खत्म कर देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये ढाई कदम की चाल आपको कुर्सी से ढाई महीने, ढाई साल या 250 साल भी दूर रख सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजों से लेकर शक्ति परीक्षण तक सियासत ने हर एक दिन नए रंग दिखाए, मगर रविवार को एक ऐसा रंग देखने को मिला जो शायद सियासत के दामन से उतारे नहीं उतरेगा। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगे। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। इस दिन को महाराष्ट्र ही नहीं शायद देश भी कभी न भूल पाए, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि अखबार और टीवी की खबरों में फर्क था। अखबार में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अगले सीएम बन रहे थे और टीवी की स्क्रीन पर देवेंद्र फडणवीस शपथ लेते दिखाई दे रहे थे। हर कोई सोच रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस सिर्फ 80 घंटों के लिए ही सीएम पद पर विराजमान रह पाए, क्योंकि कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट के आदेश दे दिए थे और उससे 24 घंटे पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। श्री अजीत दादा पवार, इन्होंने हमको समर्थन देने की चर्चा की और उन्होंने कहा कि हम समर्थन देकर सरकार बनाना चाहते और उनके समर्थन से हमने महाराष्ट्र में सरकार बनाई, किंतु कल जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से फ्लोर टेस्ट करनी है, ऐसे समय आज श्री अजीत दादा पवार इन्होंने मुझसे मिलकर कहा कि वे इस सरकार में बने नहीं रह सकते और उन्होंने हमको इस्तीफा दिया, तो उनके इस्तीफा देने से अब बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम इस्तीफा देंगे। और उस दृष्टि से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं स्वयं माननीय राज्यपाल जी के पास जाने वाला हूं और इस्तीफा देने वाला हूं। यानी देवेंद्र फडणवीस सीएम से नेता प्रतिपक्ष हो गए। हर किसी को लग रहा था कि चलो अब सियासत शांत रहेगी, मगर क्या करें, सियासत के शोर में ही सियासत की सांसें जो बनी हुई हैं। रविवार को बीजेपी के सांसद आनंद हेगड़े ने अपने कार्यकर्ताओं के सामने एक ऐसी बात बता दी जो अब सियासी गलियारे में आग लगा रही है। पहले आपको सुना देते हैं कि आखिर अनंत हेगड़े का बयान है क्या। 40,000 कोटि रूपये हण सीएम नियंत्रण इवर कांग्रेस एनसीपी शिवसेना बंद खंडित आवत्त रूपये हणकू कुड़ी निर्बिड़ी सरकार। अब इस बयान के बाद कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो पैसा असल में विकास के लिए उन्हें मिलना चाहिए था वो अब वापस केंद्र की जेब में चला गया है और अब तीनों का गुस्सा फूट पड़ा है। शिवसेना तो इस पूरे काम को ही महाराष्ट्र से धोखा बता रही है। मैं ये कहूंगा, सरकार तो सरकार की बात कहेगी, लेकिन बीजेपी के एक सांसद ने कर्नाटक के मिस्टर हेगड़े ये बात कही है और ये बहुत ही गंभीर बात है।
ये सरासर महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा है। महाराष्ट्र का जो राज्य है उसके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है, 5 साल में ये कर्जा बड़ा है और 40,000 करोड़ की रकम ये छोटी अमाउंट नहीं है। हमारे किसानों का मुंह का दाना पानी उसने निकाल दिया। एक तरह से ये धोखा भी है और ये पहले वाली सरकार की दिवालियापन आकर अगर ये किया होगा तो। अब बीजेपी इसे सिरे से नकारने का काम कर रही है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पहले तो इसकी जानकारी से ही इनकार कर दिया और फिर कहा कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो इसे सिरे से नकार रहे हैं। सांसद अनंत हेगड़े जी ने क्या कहा है ये मैंने सुना नहीं है, किंतु मीडिया के माध्यम से जो बातें सामने आ रही है कि महाराष्ट्र की सरकार ने 40,000 करोड़ या जो भी कुछ अमाउंट कहा गया हो ये केंद्र सरकार को वापस किया, पूरे तरीके से गलत है। मैं इसको सिरे से नकारता हूं। ऐसी कोई भी घटना घटी नहीं है। मूल रूप से जो बुलेट ट्रेन है वो एक केंद्र सरकार की कंपनी के तहत तैयार हो रही है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार का काम ये केवल लैंड एक्विजिशन का है और इसलिए महाराष्ट्र सरकार को पैसे देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वैसे भी चाहे वो बुलेट ट्रेन हो चाहे कोई और चीज हो, न केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र से कोई पैसा मांगा न महाराष्ट्र ने कोई पैसा दिया और इसलिए बिल्कुल गलत इस प्रकार का यह बयान है या बिल्कुल गलत इस प्रकार की खबर है। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र सरकार का बुलेट ट्रेन में रोल केवल लैंड एक्विजिशन का है, इसके सिवा कोई रोल नहीं है। और बुलेट ट्रेन नहीं तो किसी भी मियाद से एक नया पैसा भी महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को वापस नहीं किया है। अब इसमें सच्चाई कौन कह रहा है ये तो शायद आप कभी जान ही नहीं पाएंगे, मगर सांसद हेगड़े के वीडियो ने कई सारे सवाल सियासी गलियारों में पहुंचा दिए हैं। क्या सचमुच बीजेपी की यही मंशा थी या फिर हेगड़े के बयान का सिर्फ सियासी दांवपेच है? हालांकि शिवसेना और एनसीपी इस बात को तूल देने के चक्कर में है और हो सकता है कि आने वाले समय में न खाऊंगा न खाने दूंगा का बयान फिर राजनीति में सुनाई देने लगेगा। मगर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या इसका असर झारखंड के चुनावों में दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।